प्रधान जी, प्रधान जी, जितना पीटना है यहाँ पीट लीजिए, गांव तक बात नहीं पहुँचनी चाहिए। अब जाइए जाइए, नहीं पहुँचेगा बात, जाइए। अरे आपको भी ना, हैं? जाइए। तो प्रधान जी, अगर गांव वालों को नहीं बताएंगे तो उनका डर कैसे जाएगा? अरे है एक रास्ता भाई, जो सचिव जी सोचे हुए हैं। बताइए सचिव जी, गाँव वालों के अंदर जो डर बैठा हुआ है वो निकालने के लिए प्रधान जी 3 रात लगातार उस पेड़ के नीचे सोएंगे। अरे पर इलेक्शन में, और अगले इलेक्शन में आप खूब प्रचार कीजिएगा कि गांव के पेड़ से भूत भगाने के लिए प्रधान जी ने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। मास्टर स्ट्रोक। क्या आप लोग दिन भर राजनीति का बात करते रहते हैं? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा प्रधान जी, हम कह रहे थे कि अब भूथा पेड़ के पास तो सोलर लाइट की कोई जरूरत नहीं है, तो 13वां लाइट कहाँ लगवाइएगा? मैं क्या सोच रहा था प्रधान जी, कहते हैं उसे भी अपने घर के सामने ही लगवा लीजिए। प्रधान के घर के सामने 2-2 सोलर रहेगा तो कोई दिक्कत है सचिव जी? हाँ दिक्कत तो है। क्या दिक्कत है? मेरा मतलब है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, गांव वाले फिर बात बनाते हैं। प्रधान जी, हम कह रहे थे कि जो 13वां सोलर लाइट है ना, उसको अपने पंचायत ऑफिस के सामने लगवा लेते तो ठीक रहता। अब रात में बिजली चली जाती है तो बहुत भयंकर अंधेरा हो जाता है, थोड़ा मतलब रात में डर लगता है। पंचायत ऑफिस के सामने? हाँ। सही, तो बढ़िया आइडिया, पहले काहे नहीं बताए रे? बहुत आजकल रहा है। अरे तो ठीक है सचिव जी, कागजी कार्रवाई आगे बढ़ाइए और 13वीं लाइट लगा दीजिए ऑफिस के सामने। जी प्रधान जी। अगर ढाई यही खोदेगा सर, ये बहुत सही है।